जितने यहाँ पर मोहतरम इल्मी शख्सियत बैठी हैं, शायद उनका नाम मेरे से इस वक्त हासिल, मॉडल कॉलेज के तमाम असातिज़ा और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों यहाँ के शामिल हो सकते हैं। इमारत सां ऐं मुंहिंजो पहिरियों तालुक मूंखे सुठी ऐं चङी तरह यादि आहे। एफ जी स्कूल में एफ जी स्कूल जो शागिर्द आहियां ऐं शायदि सत्रहीं या अठवीं क्लास में हुयो त हिकिड़े तकरीरी मुक़ाबले में हिन ई साॻे हॉल मां तकरीर कई और शायदि मुंहिंजे जो यादि पढ़ आहे की उस वक़्तु पनाह अली शाह साहब थे या बड़े कोरा साहब बैठा हुआ था, वो यहाँ बैठे हुए थे उससे पहले, और मुझे नहीं पता कि किन किन मोहतरम शख्सियात को मुझे देखने का मौका मिला होगा, कितने तारीखी लोगों को मुझे देखने का मौका मिला होगा। शायद ये तस्वीर अलामा आई ए काजी की भी जब से यहाँ पर लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कैसे बेशुमार बच्चे आज से 30, 20, 12, 5, 10 साल बाद बहुत अच्छी जगहों पर बैठे होंगे। आज जो आप लोग पीछे बैठे हैं और आपको ये इस तरह की तकारीफ की अहमियत उस तरह समझ नहीं आ रही, वक्त के साथ साथ जब आपको शऊर आएगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी हसीन है ये तकलीफ और कितने अजीम है आपके ये असातिज़ा, उस्तानिया, ये लोग जो आपके साथ यहाँ पर आपकी खुशियों में। आपकी इस स्कूल से अपने ताल्लुक की आपको शायद मैं आपको कोई लंबे लंबे लेक्चर नहीं दूंगा या वो इल्मी गुफ्तगु करके या एकेडमिक्स वाले रिकॉर्ड दे के आपको बोर करूँगा। छोटी छोटी मीठी मीठी बातें हमें करनी चाहिए। मुझे ये बताते हुए दुख के साथ साथ एक अजीब सा एहसास भी है कि इस कॉलेज का मैं शागिर्द होते होते रहे। 1984 में मैंने मैट्रिक पास किया था, उस वक्त ए वन ग्रेड बहुत कम लोगों का आता था, गलती से कहीं मेरा भी ए वन ग्रेड आ गया था। तो मैं अपनी साथी ख्वाहिश पर इस कॉलेज आया और मैंने यहाँ से फॉर्म लिया। मुझे याद है इसकी दूसरी मंजिल पर शायद कोई दफातर थे, अभी मैं ऊपर गया नहीं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज मेरा घर शहर में सफा कॉलोनी में मेरा घर था, तो ज़्यादातर लोग दोस्त के गवर्नमेंट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी में गया है क्योंकि एक और असीम रास्ता है उस पर दाखिला ले रहे थे, तो उनके मशवरे और उनके दबाव पे मैं इस एजाज से महरूम रह गया, वरना मैं आज आपका अलग नहीं होता। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी दफ़ा भी इस सड़क से गुजरा हूँ, हाँ हैदर चौक से नीचे रानीबाग की तरफ या नीचे ठंडी सड़क से ऊपर शहर की जाने, ये इमारत हमेशा मेरे दिल को मोड़ती है। और अब हालत ये है कि जब मैं इस इमारत के पास से गुजरने वाला होता हूँ तो मेरे बच्चे पहले से कहते हैं, हाँ हाँ हमें पता है ये मॉडल स्कूल है, ये रानीबाग स्कूल है, और बच्चे कहते हैं हाँ हमने पता है आप स्कूल में पढ़ते पढ़ते रहे, और ये चीज़ आप मेरी बेटा को आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं। और जितने मेहमान आते हैं मेरे पास, मैं एक दफ़ा अभी कल शाहिद सिद्दीकी साहब हैं रोज़नामा दुनिया में वो कॉलम लिखते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब के भाई हैं, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर हैं, बिलखसूस मैंने उन्हें ठंडी सड़क का एक राउंड किया और दो दफ़ा जब उसके आगे से गुजरा तो दोनों दफ़ा उन्हें याद नहीं किया। क्यों? कि ये इमारत न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिर्फ की खूबसूरत बड़ी इमारत है। अगर आप ये वो जेवर है जिसको हमारी दादी नानी अम्माएँ सीने से लगाकर संदूकों में लॉकर्स में महफूज करती हैं, उसकी सफाई सुथराई करती है। और मुझे भी बड़ा दिल पर लग रहा था जब मैडम फरीदा ने इस इमारत की जरूरी का जिक्र किया। ये जब मैं आपके से होगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज का एक नया कैंपस
कोसार जो एयरपोर्ट के आगे रहता है वहां पर तामीर हो रहा है। मैं जब इस्लामाबाद गया तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ डिजाइन दिखाए, इमारात के मुख्तलिफ नमूने दिखाए। मैं अभी मैडम को बता रहा था डॉक्टर साहब कि मुझे दो दिन ज्यादा रहना पड़ा क्योंकि HEC वाले मान नहीं रहे थे, उनके जो नक्शे हैं उनसे मैं राजी नहीं हो रहा था। और मैंने बाकायदा इस इमारत की घंटाघर जो डॉल रहा है, जो टावर है उसकी, और जो हमारे गाड़ी खाता के और हीराबाद के घर, मैंने उन पर बाकायदा एक समझ लीजिए कि सिद्ध कि मुझे नमन यूनिवर्सिटी की जो एलिवेशन है वो इन इमारत की एप्लीकेशन में चाहिए जिसमें से ये इमारतें झलके, जिसमें झलक है। बिलखसूस ये वाली जो इमारत है नमा विद्यालय की, ये मुझे चाहिए। फिर उन्होंने अपना नक्शा, मुझे दो दिन ज़्यादा रहना पड़ा और उन्हें समझ आ गई है बेगड़े साहब पागल हो गए और ये जाएंगे नहीं, हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। तो अब अगर मैं आपको अपना प्रूफ नक्शा दिखाऊँ तो इसमें इस इमारत की झलक भी नजर आती है। लेकिन ना मैं एक आर्किटेक्ट हूँ ना इंजीनियर हूँ, एक दफ़ा मुझे मौका मिला है मीरपुर खास में एक इमारत, उसको मैंने ग्राफ पेपर पे जो पेंसिल होती है उससे डिजाइन किया है। उसमें भी आपको ये इमारत, मुखी हाउस और घंटाघर नजर आए। ये हमारा असासा है, इनको हमने बचा कर रखा है। आपको फंड मिले ना मिले, मैं बच्चों से कहता हूँ इधर कचरा मत कीजिए, इस इमारत में कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे इसके पुराने हुस्न में, हैसियत में कोई कमी पेश है, बल्कि इसको साफ सुथरा रखिए। एक वक्त आएगा जब आप मेरी जगह खड़े होंगे फिर आपको एहसास होगा कि कितना अहम था ये वक्त आज का दिन और कितना खूबसूरत था वो लगा जब आज आप साफ सुथरे नेकटाई पहनकर, तो उस वक्त एहसास होगा कि कितने अनमोल है। और मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊँ जो आप में से कभी कोई नहीं मानेगा, मेरी तरफ से पेशकश है। डॉक्टर साहिबा मेरे ख्याल में कहीं बाहर चली गई, 2 अरब रुपये से नमन का नया कैंपस बन रहा है, 10 एकड़ पर उसकी तामीर हो रही है। आज मैं आपको पेशकश करता हूँ, डॉक्टर साहिबा तक आप लोग पहुँचाइएगा कि मुझसे आप बना बनाया नया कैंपस ले लें 10 एकड़ में हैदराबाद शहर में, खूबसूरत नया बेहतरीन। डॉक्टर साहिबा मतलब सजेशन तो दे कि जो नया नमन का कैंपस बन रहा है 2 अरब रुपए की लागत से कोसार में, जहाँ तशरीफ लाई थी इमारत की, हम जबू अली की बात कर रहे थे, मुझे पता है कि इसका अंजाम और इसका नतीजा क्या निकलना है, लेकिन बहरहाल मैं अपना दिल का एक टुकड़ा निकाल दूँ कि मुझसे वो नया बना बनाया कैंपस आप ले लीजिएगा जो शायद एयर कंडीशन भी हो, जो शायद कंक्रीट का बना हो, जो शायद इससे ज़्यादा वसी रकबे पर हो, बज़ाहिर उसकी मार्केट वैल्यू अरबों खरबों रुपए में हो, और मुझे आप ये दे दीजिए नमन यूनिवर्सिटी। जवाब है नो, मुझे पता है क्यों, कि ये होते हैं हमारे असासे। और मुझे यकीन है आज से 100-150 साल बाद जब कभी कोई नमन के कल परसों बनने वाले कैंपस के बारे में किसी और नई इमारत से एक्सचेंज की बात करेगा तो वहाँ जो मैडम या वहाँ जो डॉक्टर साहब या वहाँ जो आप जैसे लोग बैठे होंगे वो इससे कहीं ज़्यादा शाउट करके कहेंगे नो। क्या आपको एयर कंडीशन स्कूल चाहिए इसके बदले? से यस नो बेटा, ये जो हवा है ना हैदराबाद की, और ये जो खिड़कियाँ हैं और ये जो छतें हैं और ये जो मिट्टी की खुशबू है, ये आपको इसका कीमत का एहसास इसलिए नहीं होगा कि ये अनमोल है, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। आपके सब्र का, मेरी बातें सुनने का, मेरी फजूल गुफ्तगू सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा याद रखती हैं, मैं आपको फौजी सलाम।
Thank you.